कचौड़ी खाने आया था। ख्याल रखने की बात है ना, तो तय ना ही करो तो बेहतर हो। फिकर नहीं होना, अपना शक पक्का करना। बहुत दिनों से क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं उतरी हो ना, तो हो सकता है तुम्हारे स्टैमिना पर उसका असर हो। और कचौड़ियाँ तो अपना काम कर ही रही। अरे कोई बात नहीं, थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगी स्टैमिना रिकवर हो जाए। आज से तुमने टाइम सुबह ध्यान देखा, कुछ छुट्टा सीधा देखा, टाइम से उठना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, पूरी प्रैक्टिस करना है। बाकी सबको कॉल करके कहना की बात हो नोट बंद कर दिखाई कि बेटी सपना पूरा करेगी। हाँ, और जिंदगी की बेहतर शुरुआत नई शुरुआत के लिए और नहीं देना चाहता। आयान बहुत परेशान था पिछले दिनों और उसने बहुत कोशिश की फालतू को मनाने की। वो बहुत प्यार करता है उससे, वो तो आप सबने देखा ही है। फालतू भी करती है पर वो दिखा नहीं रही थी, वो रूठी हुई थी। और वो रूठना ना कई बार डिस्टेंस इतना हो जाता है कि वो मौका हाथ से निकल जाता है सब कुछ सॉर्ट आउट करने का। मे बी इन दोनों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, बट क्योंकि आयान सच में प्यार करता है उससे तो वो हासिल करना इज़ नॉट द लास्ट गोल। तो वो चाहता है कि फालतू खुश रहे और उसे लगता है कि नील के साथ खुश है वो, तो वो बोलता है तुम लोग खुश रहो बट मैं तुम्हारी तुम्हें खुश देख के खुद खुश हो जाऊंगा, पर तुम खुश रहो, तुम्हें और दुख नहीं पहुंचाना चाहता। आंसू बिल्कुल भी खुशी के नहीं है, फालतू बहुत ज़्यादा गुस्सा है और दुखी है अभी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मार्ट साहब उसको छोड़कर चले गए इतने बड़े हादसे के बाद और उससे पूछा भी नहीं वो कैसी है। पर उसको ये याद नहीं आ रहा है कि मार्ट साहब आए थे, उसको सिर्फ इतना याद आ रहा है कि वो नील की वजह से शायद मार्ट साहब फिर से शक कर रहे हैं फालतू पे। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मार्ट साहब शक्की हैं और ये सुधर नहीं रहे हैं, पर फालतू गलत समझ रही है इस बार मार्ट साहब को। पर इस बार शक नहीं कर रहे मार्ट साहब, क्योंकि मार्ट साहब ने अपनी आँखों से देखा, फालतू सीम वेरी कम्फर्टेबल विद नील और जैसे उसने जान भी बचाई और फिर अभी भी आया आयान तो उसने देखा दोनों खुश हैं हंस रहे हैं, तो वो कोई जेलेसी वाली कोई फीलिंग नहीं आई। उसे यही लगा कि यार चलो मुझसे दूर होके सही हंस तो रही है, तो ऐसा। पर इस बार डिवोर्स बहुत प्यार से पकड़ा है तो फालतू को तो बहुत दुख हो रहा है कि मार्ट साहब फिर से शक, उसको ऐसा लग रहा है मार्ट साहब को शक हो रहा है इसलिए वो डिवोर्स पेपर्स दे रहे हैं। वो समझ नहीं रही है कि मार्ट साहब का इंटेंट क्या है अभी, बट लेट्स सी होपफुली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हों जल्दी। वी लव यू टू, आप लोग हमें इतना प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके एडिट्स और कॉमेंट्स देख के हमारा दिन बन जाता है, सो लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग थोड़ा इमोशनल हुए हैं सीन की वजह से, तो आपको थैंक यू बहुत सारी जगह दोबारा बोल देंगे।